ही रहा हूँ। किसको पता? सर आप भी आ रहा सर, एक सर इधर देखिए आप सर। चीड़ा मारा जाएगा ना जाए कौन से तरीके नहीं दे यार हाथ ऐसे करके बोलने में क्या ला ला ला। मूवी के नाम से पता चलता है किस तरह की मूवी होने वाली है, कड़वी हवा। मैं इस किरदार को बोलता हूँ भूतपूर्व किसान, फॉर्मर फार्मर। जैसे कि पोस्टर में देख रहे हैं सर कि धरती फटी हुई है और आपका आपका फोटो है, तो फिर क्या ये लगा भूकंप के रिलेटेड? ये धरती जो आप पोस्टर में देख रहे हैं ये फटी हुई नहीं है, ये जब पानी नहीं मिलता है धरती को तो ऐसे ऐसा खुल जाती है, भूकंप वगैरह से रिलेटेड नहीं है। क्लाइमेट चेंज की बात करती है, छोटी मोटी बात नहीं करती है, बात करती है वर्ल्ड वाइड जिस तरह से क्लाइमेट का चेंज होना इंसान के लिए खतरा हो गया है, जनरेशन के लिए खतरा हो गया है। किसान जो है सिर्फ नेचर पे ही टिका हुआ है, उसके लिए खतरा हो गया है कि बारिश आती है नहीं आती है। बम्बई में दिवाली के टाइम में रात में बारिश हो रही है, अभी रिसेंटली दिल्ली में स्मॉग फैला हुआ था अभी रिसेंटली, तो ये रिसेंट बातों को बताती है वो। लेकिन सर ये इंडिया की जगह तो एक प्रॉब्लम सी बन गई है ये अकाल आना, नॉर्मली ये हो। लेकिन इंडिया ने कभी इन प्रॉब्लम्स पर ध्यान नहीं दिया, वो प्राकृतिक गेम है तो प्राकृतिक ही होगा, ऐसे विचारों पर ज़्यादा विश्वास किया हम भारतीयों ने, जिसका नतीजा है ये। तो फिर ये मूवी कोई मैसेज छोड़ रही है इनमें और इससे भाई नाम सर... आप कड़वी हवा मैसेज तो पता नहीं किसी को कुछ छोड़ती है किसी को कुछ। जो मूवीज होती है इस टाइप की मूवीज वो मैसेज छोड़ती है कुछ ना कुछ। हाँ इसमें भी मैसेज छोड़ रही है, लेकिन वो मैसेज लेने वालों पर डिपेंड करता है कि क्या कौन क्या मैसेज लेके जा रहा है। बहुत बढ़िया प्रोफेशनल लोग हैं हम लोग, एक दूसरे के साथ काम करते हैं और फिर अपना अलग हो जाते हैं, फिर कभी दूसरी पिक्चर में मिलते हैं, तो वैसा ही सा था, बढ़िया एक्सपीरियंस। ओके सर, अभी पद्मावती को काफ़ी तकलीफ को सामना करना पड़ रहा है, देखा जाए तो डेट भी आगे बढ़ गई है उसकी, उसकी दिसंबर से। मेरे पास और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन ये भी सर आप भी देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी पार्ट है, देखा जाए बस मैंने बोल दिया ना कि मैं कुछ चीज़ों पर बोलता ही नहीं, जिन मैंने एक पिक्चर की है बस मैं इतना जानता हूँ अपनी रोजी रोटी कमा रहा हूँ, बाकी उस पर जो होना है। थैंक यू। ये जो सच्चाई है जो इससे लड़ाई कर रहे हैं हम नेचर, जो आज की डेट पे देखेंगे तो जैसे आप अगर पहली दफ़ा जो एग्जांपल देने के लिए अगर बताएंगे तो दिल्ली की जो हवा है वो तो कड़वी हो चुकी है। हवा कड़वी हो गई मतलब जिस हिसाब से दुनिया भर में डिज़ास्टर हो रही है, जिस हिसाब से एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो रही है, उसके बेस पे दो चरित्र हैं फिल्म में, एक जो सूखे इलाके से है, एक जहाँ से जहाँ पे पानी का समस्या है, पानी मतलब ज़्यादा पानी से समस्या है, तो ये दोनों कैरेक्टर है और उन्हीं की कहानी है। और कहानी ये कहती है कि डिज़ास्टर के ऊपर बात नहीं करके कहानी कहती है कि डिज़ास्टर के बाद क्या जो हो चुकी है, हवा बदल चुकी है, दुनिया बदल चुकी है, एनवायरमेंटल डिज़ास्टर हो चुका है, उसके बाद लोगों की जो स्थिति है अगर देखा जाए तो हम सब एक एज पे जी रहे हैं, चाहे वो बॉम्बे फ्लड हो, केदारनाथ फ्लड हो, या ड्राउट हो मराठवाड़ा में या कोई भी हो, तो अभी स्थिति इस स्थिति में हम सब गुजर रहे हैं, वही कहानी है, बस लोगों की आंखें खोलेगी फिल्म देख के, यही बात है हमारे। स्टारकास्ट वॉज वेरी इजी बिकॉज जो कहानी हमने पहले से लिखा था
वो कहानी के हिसाब से ही स्टार कास्ट हमने मैंने पहले से ही तय किया था. इट वाज अ वेरी इजी कास्टिंग फिल्म. आई एम कलाम आपकी मूवी की जगह काफ़ी दमदार मूवी थी. विषम प्रेजेंटेशन विषम में तो काफ़ी पूरा पब्लिक ही घूमकर देखा जाता था. ये मूवी क्या देखी बस ये है कि एक दूसरे नज़रिया की फिल्म है. हमने सुपर 16 में शूट किया है. आप विजुअली देखेंगे तो इट्स अ विजुअली स्टनिंग फिल्म. अपार्ट फ्रॉम दैट एक सिंपल स्टोरी टेलिंग है. इसमें कोई टेक्निक और बड़ा ज्ञान नहीं थोड़े हैं. बहुत सिंपल स्टोरी टेलिंग में फिल्म रखी है. शूटिंग चंबल में हुई है बट कहानी चाहे इंडिया की हो बट ये दुनिया भर की बात कहती है. शूटिंग तो बहुत ख़तरनाक था. 50 डिग्री टेम्परेचर का मैं शूट कर रहे थे. धूल उड़ रही थी और चंबल में जो हालत है इट वाज नॉट आल्सो सिक्योर्ड. काफ़ी डर डर के हम लोग लेट नाइट शूट करते थे बट काफ़ी तकलीफ हुई शूटिंग में. उसे शेयर कर सकते हैं? अब रोज़मर्रा की स्ट्रगल चल रही थी उसे शेयर किया चाहे पानी बोलिए या कहीं पर आप खड़े होने के लिए जगह नहीं वहाँ पर क्योंकि अब पेड़ नहीं है तो आपको छाँव भी नहीं मिलेगा. छतरी के नीचे रहोगे भी तो गर्मी बाहर निकलोगे भी तो गर्मी. मतलब इट वाज लिटरली एक अद्भुत डिजास्टर में ही शूट किए हैं फिल्म को. आप वो फिल्म में पता चलेगा आपको. हाँ अब थोड़ा सा किसानों की हत्या के ऊपर भी तो बात हुई है फिल्म. फिल्म आपको एक नया नज़रिया देता है जिस दुनिया में जीते हैं आप. तो वो एक बहुत बड़ा टेक है फिल्म का जिसके लिए मैं कहूँगा तो आज की डेट में अगर सिनेमा के हिसाब से देखेंगे तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे की बात की सिनेमा है क्योंकि हमारे देश में अभी तक क्लाइमेट चेंज को लेके फिल्म बनी ही नहीं है. थॉट मैं एक डॉक्यूमेंट्री किया था करीबन 10 साल पहले तो जिसमें काफ़ी सारे गाँव समंदर के अंदर जा चुके हैं तो सी लेवल राइज था प्लस ड्रॉट देखा हूँ हम 30-30, 40-40 साल की चाहे बुंदेलखंड बोलिए या मराठावाड़ बोलिए. थॉट मेरी डॉक्यूमेंट्री से ही आया. क्या नज़रिया बदलेगा? ये तो ऑडियंस की बात है. नज़रिया तो कम से कम ये है कि बातें होगी क्वेश्चन उठेगी डायलॉगबाजी होगी ये हम चाहते हैं. डेफिनेटली बहुत ही ज़रूरी फिल्म है ये. इसे बनना इसका बनना ज़रूरी था और इसे देखना ज़रूरी है. ये फिल्म मिस मत करिएगा. कड़वी हवा मिस मत करिएगा. एक्टिंग का सवाल ही नहीं है. इसमें ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई एक्टिंग कर रहा है क्योंकि ये फिल्म हमारी सच्चाई है और ये हम कहने से डरते और कतराते हैं. ये पहली बार इतना खुल के कहा जा रहा है. आप प्लीज़ देखिए इस फिल्म को. सोच बदलना बहुत ज़रूरी है और उसी सोच को बदलने के की जो जर्नी है उस जर्नी में इस फिल्म को देखना बहुत ही ज़रूरी है. ऐसा कह नहीं सकते कि इसमें सबसे खास क्या लगा. ये फिल्म ही अपने आप में खास है और ज़रूरी है. धन्यवाद. Thank you.
are all in the boat. I am all more than many others. See, picture देखने से पहले क्या sound होता? फिर आपको देखेंगे by क्योंकि पहले देखने photo रोज नहीं सुना किस तरह का question normal सिग्नल आपका दिखा ऐसे आपकी आवाज़ ही नहीं यहाँ तक पहुँच रही। इस तरह की मूवी होने वाली कड़ी है, वो मूवी का मतलब बताएंगे। मैं समझता हूँ लोग एक अच्छी फिल्म देख के निकलेंगे और सोचते हुए निकलेंगे कुछ चीज़ों के बारे में, ऐसी चीज़ें जो मैं समझता हूँ अब बहुत अर्जेंसी से सभी लोगों को सोचनी चाहिए। आप दोनों के किरदार के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह का किरदार निभाएंगे? जी, इस फिल्म में मैं पार्वती का किरदार निभा रही हूँ जो संजय मिश्रा की बहू का रोल है, और रणवीर मैं गुनू बाबू का रोल कर रहा हूँ जो कि एक बैंक लोन रिकवरी एजेंट हैं और ऑलमोस्ट समझ लीजिए फिल्म के विलन के करीब हैं। पर आप इस विलन के लिए इतना फील करेंगे ना? चलो पूरी कहानी मत बता दो। मूवी को देख के पोस्टर को देख के ऐसा लग रहा है कि अकाल की स्थिति थी उसमें, तो क्या दिखाया गया? नहीं, अकाल कुछ ज़्यादा बड़ा वर्ड हो गया, सूखा। सूखा हाँ, अकाल तो मतलब फैमिन हो जाता है ना, अकाल मीन्स फैमिन, तो सूखा ड्राउट है। बट हाँ, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि ये ना लोगों को लगे कि फिल्म बिल्कुल ही एक मतलब अकाल की कहानी है, बट हाँ डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं फिल्म में, लेकिन वो बहुत मज़े से वो कहानी सुनाती है। देखा जाए तो ये करंट इशू है इंडिया का, जगह खास करके कि नॉर्मली सूखा हर जगह आ ही जा रहा है अभी, तो क्या कहना चाहिए, किस इसके पीछे किसका रीज़न दिख रहा है? देखिए, सभी वैज्ञानिक पूरे विश्व भर में यही कह रहे हैं कि ये हमारी अपनी करनी है, जो जो हम लोग कोयला पेट्रोल डीजल इंडस्ट्री और बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से जो तापमान बढ़ रहा है हमारे प्लैनेट का, पृथ्वी का, और उसकी वजह से ये क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं। जहाँ पे बारिशें पड़ती थी वहाँ बारिशें नहीं पड़ रही, जहाँ बारिशें नहीं पड़ती थी वहाँ बारिशें पड़ रही हैं, और इन सब को रख के ये बैकग्राउंड में हमारी फिल्म है, ये दो आदमियों की कहानी, तो कहानी क्लाइमेट चेंज पे नहीं है, कहानी है कि इन दोनों, ये दो जो शख्स हैं जिनकी ज़िंदगी इतनी अलग है, दिखती है अलग है, लगेगा आपको हीरो है और ये एंटागनिस्ट हैं, विलन हैं, लेकिन इनकी रिलेशनशिप के बारे में है। क्लाइमेट चेंज एक बैकड्रॉप है। तो जी, बहुत दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि अगर किसान नहीं रहे तो हम भी नहीं रहेंगे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, आर डिमाइस। सॉरी, बस सेम सेम हो गई स्मॉल बाइट। आप देखिएगा जरूर हमारी फिल्म, हमारी फिल्म निकल रही है कड़वी हवा, 24 नवंबर सिनेमाघर। ये हमारे दोस्त आ गए अभी। थैंक यू, स्मॉल बाइट थी, हो गई स्मॉल बाइट। Thank you. Thanks, Andy. So just for that, both of you will get a seat tonight. Okay, instead of the stairs. Instead of the stairs. I see. Thank you, sir. Hold, sir. Hold. Subra. Come here. Come here. कोई उम्र थोड़ी खींच रहा हो गया ना। ये जो आर्टिस्टिक फैन आपने मारा है ना।
मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मूवी के लिए क्योंकि मैंने माधव जी के साथ दो बार काम किया हुआ है दो मूवियों में. सो आई थिंक ही इज़ एन अमेजिंग फिल्म मेकर एंड ही मेक्स वेरी रेलिवेंट फिल्म्स एंड उनको एंटरटेनिंग भी बनाते हैं. यू नो इफ़ यू सी हिज फर्स्ट फिल्म ऑल्सो आई एम कलाम इट वॉज सो ब्रिलियंट एंड इवन द सेकेंड वन विच आई डिड विद हिम जलपरी एंड यू नो सो ही इज़ रियली फिल्म मेकर हु थिंक्स अबाउट द वर्ल्ड अराउंड हिम एंड especially this film you can see it's a very important topic so I'm sure he's made it in a very interesting way so we look forward to seeing it. मैं बस ये कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और इंटरेस्टेड हूँ कि क्यूरियस हूँ कि किस तरह की फ़िल्म होगी और कैसी होगी. मैंने ट्रेलर जब इस फिल्म का देखा तो मुझे ज़रूर लगा कि मैं ये एक फ़िल्म होगी जो डेफिनेटली ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करेगी एंड I'm very excited to watch it. रिव्यूज़ अच्छे आ रहे हैं आप कह रहे हैं. येस आई एम श्योर रिव्यूज़ अच्छे आएंगे. नीला माधव पांडा बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं और आई एम श्योर कि ये फिल्म भी बहुत ही बेहतरीन बनेगी. किसके लिए जा रहे हैं मेन माधव सर के लिए जा रहे हैं डायरेक्शन के लिए तो उनके लिए जा रहे हैं मेनली. ऑफ कोर्स रणवीर के साथ भी काम किया हुआ मैंने सो इज़ अ रियली ब्रिलियंट एक्टर देयर ही इज़. आई वाज जस्ट स्पीकिंग अबाउट यू आर यू गुड टॉक ऑफ द डेविल हाउ इज़ गोइंग बडी माय ब्रदर ऑल द बेस्ट फ्रॉम अनदर मदर माय ब्रदर रणवीर माय ब्रदर फ्रॉम अनदर फिल्म या सो यू वाज जस्ट आस्किंग हु यू गोइंग टू सी इट फॉर सो आई सेड माधव एंड वी वी लुक फॉरवर्ड टू इट फॉर रणवीर एंड तिलोत्मा के साथ भी मैंने काम किया है मॉनसून वेडिंग में. सो आई वर्क विद अ लॉट ऑफ you know the director and two of the main actors and of course Sanjay Mishra ji is such a brilliant actor again so Sanjay ji is a fabulous actor and I think he jo maine trailer mein dekha to bahut interesting lag raha hai aur definitely Ranveer and Neela Madhav Pandey. सर बना के काम आ रहा है तो क्या मैं ऐसे करूँगा मुझे पता चला तुम आने वाले हो मैं बहुत प्रसन्न हूँ. रेडी जी बहुत ही ज़्यादा. सबसे पहले संजय जी से मिली वो वन ऑफ माय फेवरेट 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 एक्टर्स हैं एंड मैंने आई एम कलाम देखी है. बहुत ही बढ़िया फिल्म थी जो डायरेक्टर की फिल्म है एंड आई वांट टू विश द टीम द बेस्ट ऑफ लक एंड आई नो आई एम गोइंग टू बी ब्यूटीफुली अमेज्ड आफ्टर सीइंग द फिल्म. जी कहना चाहूँगी कि संजय जी तो हमेशा बहुत ही मीनिंगफुल फिल्में बनाते हैं एंड सो राज माधव सर. सो एज आई ऑलवेज सेड नाउ इज़ द टाइम कि हमें जो भी पावर दी जाती है उसे सोसाइटी के गुड के लिए यूज़ करना चाहिए एंड आई एम ग्लैड ऐसी फिल्में बन. संजय सर की तो जी मुझे इरफान सर ही इज़ जस्ट ब्रिलियंट. मुझे बहुत मज़ा आता है उन्हें जब भी मैं देखती हूँ. शबाना मैम इनफैक्ट आई एम होपिंग दैट वी सी हर इन अ फिल्म सून. जी अभी आई मीन कंटेंट तो है ही हाई वी नो दैट इट्स हाई बहुत अच्छा लेकिन अभी फिल्म के बाद बात करते हैं.